हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे बेटा। आज की इस वीडियो में हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे बेटा लेंस फॉर्मूला ड्राइव करना। लेंस फॉर्मूला कैसे निकलता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है ये मैं पहले बताता हूँ आपको। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f, छोटी क्लास में पढ़ा आपने 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ये आपका लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। अब हम इसको ड्राइव करेंगे, ड्राइव करेंगे कॉन्वेक्स लेंस से भी और कॉनकेव लेंस से भी। तो जैसे हम पीछे लाइव क्लास में हम ये टाइप ऑफ लेंस कर चुके हैं, लेंस मेकअप फॉर्मूला कर चुके हैं और कंडीशंस फॉर द रिफ्रेक्शन पासिंग फ्रॉम रे पासिंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर वो कर चुके हैं एंड रे पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर वो भी कर चुके हैं। लाइव क्लासेस में हम ये टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये देखिए आपसे तीन कंडीशन में पूछा जाता है। तीन कंडीशन कौन कौन सी हैं वो मैं एक बार बोर्ड पे आपको बता देता हूं। फॉर कॉन्वेक्स लेंस देर आर टू केसेस, रियल इमेज एंड फॉर वर्चुअल इमेज। तो फर्स्टली वी विल डू इट फॉर द रियल इमेज। तो पहले हम रियल इमेज के लिए ही इस फॉर्मूले को ड्राइव कर लेते हैं भाई। तो देखो रियल इमेज के लिए डायग्राम कैसे बनेगा आपका। लेंस मैं बना लेता हूं कॉन्वेक्स लेंस, कुछ ऐसे है। कॉन्वेक्स लेंस में भाई ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। इसमें साइन कन्वेंशन बेटा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पहले वाली लाइव क्लास में कि इसमें हम सेंटर को किस कहां कंसिडर करेंगे, सीने। ये आपका एफ फोकल लेंथ, ये आपका एफ फोकस पॉइंट सॉरी, और सी और एफ के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। लेट बी हैव एन ऑब्जेक्ट ए बी, दूसरा जो कन्वेंशन था साइन कन्वेंशन, अब की बार हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं कंसीडर करेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे जिसके पास कुछ ना कुछ हाइट है। तो ए बी मैंने कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर कर ली, अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस तरीके से जाकर के रिफ्रेक्शन होगा एंड आफ्टर रिफ्रेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस, फोकस पॉइंट से पास आउट हो जाएगा। Let's say this point is D, D point है ये, C और D को मिला लीजिए आप डॉटेड लाइन से, एक्चुअल में है नहीं ये तो इसलिए हम डॉटेड लाइन से मिला लेते हैं। एक रे आपकी C से पास आउट होती है, C से पास आउट हुई भाई वो विदाउट रिफ्रैक्शन, और ये दोनों रे कहीं ना कहीं मिलेंगी तो वहां पे आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। बी रेस ए रेस वर्चुअल है, इन्वर्टेड है सॉरी रियल है और इन्वर्टेड है। रियल इमेज के लिए करें तो रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज है। मैग्निफाइड है ये साइज से, ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल साइज से मैग्निफाइड है। तो देखो भाई ये फिगर आपका बनता है। इस डायग्राम की हेल्प से अब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे 1/f = 1/v माइनस 1/u। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। इस ट्रायंगल में देखिए भाई दीज एंगल्स आर सेम, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस इज ऑफ 90, दिस इज ऑफ 90 एंड थर्ड एंगल अपने आप सेम हो गया भाई, जब दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा अपने आप। सो दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स, फॉर द सिमिलर कंडीशन वी कैन राइट ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी बाय सी बी डैश। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इन द नेक्स्ट ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल सी डी एफ, एक ट्रायंगल ले ली भाई हमने सी डी एफ एंड नेक्स्ट ट्रायंगल ले लेते हैं ए डैश बी डैश एफ। ये ध्यान से लेने हैं बेटा ट्रायंगल्स के कौन कौन सी ट्रायंगल्स हम चूज कर रहे हैं। इसमें देखिए ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 90 है तो यहाँ पे भी 90 है, तो तीसरा एंगल अपने आप सेम हो गया। तो दीज ट्रायंगल्स आर ऑल्सो सिमिलर ट्रायंगल, सो वी कैन यूज द प्रॉपर्टी सी डी परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर बाय उसका परपेंडिकुलर, यानी कि ए डैश बी डैश इज इक्वल टू इसका बेस बाय उसका बेस सी एफ बाय एफ बी डैश। सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। देखिए आप फिगर से देख लीजिए सी डी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए बी लिख सकते हैं क्योंकि पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस की ए बीच की डिस्टेंस सेम होती है। तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ बाय एफ बी डैश, या इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ एज इट इज। अब देखिए एफ बी डैश को क्या लिख सकते हैं, ये बेटा आपका एफ बी डैश, इस एफ बी डैश को आप क्या लिख सकते हो,
सी बी डैश माइनस सी एफ, सी बी डैश पूरी में से सी एफ घटा दो तो ये बचेगी, तो सी बी डैश माइनस सी एफ, इसको बना लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन। तो ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखिए आप, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट है दोनों ही कंडीशन में, तो राइट हैंड साइड को हम कंपेयर कर सकते हैं। From equation first and second, first and second क्या लिखोगे भाई? देखो first and second, first में क्या आया था, ए बी ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी बी बाय सी बी डैश था, तो सी बी बाय सी बी डैश लिख लीजिए इज इक्वल टू, ये आप सेकेंड इक्वेशन से लिखिए सी एफ बाय सी बी डैश इंटू सी एफ माइनस सी एफ, दोनों की राइट हैंड साइड कंपेयर कर ली हमने। तो अब देख लीजिए डिस्टेंसेस, जो सी बी है ये तो आपका u है नेगेटिव ले लेंगे, सी एफ एफ है पॉजिटिव लिया जाएगा, और सी बी डैश बी है ये भी पॉजिटिव लिया जाएगा। तो देखो सी बी क्या है आपका माइनस यू डिवाइड बाय सी बी डैश प्लस वी इज इक्वल टू सी एफ, एफ है भाई आपका पॉजिटिव, सी बी डैश आपका देखिए क्या है, सी बी डैश है ये आपका v प्लस माइनस ऑफ सी बी एफ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये हो जाएगा माइनस यू वी माइनस माइनस प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। ये इक्वेशन आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को भाई हम डिवाइड कर देंगे यू वी एफ से, डिवाइडिंग थर्ड इक्वेशन बाय यू वी एफ, डिवाइडिंग बाय यू वी एफ, तो डिवाइड कर दो भाई माइनस ऑफ यू वी बाय यू वी एफ प्लस यू एफ बाय यू वी एफ इज इक्वल टू वी एफ बाय यू वी एफ। डिवाइड किया तो भाई देखिए कुछ टर्म्स कैंसिल हो गई और कैंसिल होकर के कुछ टर्म्स बचती हैं अपने पास, एंड दिस यू वी से यू वी कैंसिल आउट, यू एफ टू यू एफ कैंसिल आउट एंड वी एफ टू वी एफ कैंसिल आउट, फाइनली वी विल गेट एन इक्वेशन वन बाय एफ इज इक्वल सॉरी प्लस एयर वन बाय एफ प्लस 1 by v is equal to 1 by u, or this equation can be written as minus 1 by f is equal to 1 by u minus 1 by v, or minus से multiply कर दे हम complete equation को, तो minus से multiply करेंगे तो ये अपने पास आ गया 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u। This is your lens formula by the convex lens in case of real image। तो real image में कैसे आपके पास lens formula आता है ये आपके सामने है। वर्चुअल इमेज का बेटा मैं डायग्राम बनाऊंगा, आप कर सकते हो खुद ट्रायंगल्स का यूज करके। तो मैं डायग्राम बना देता हूं वर्चुअल इमेज के लिए कन्वेक्स लेंस में, करना ही आपने खुद है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर फॉलो करके। इमेज फॉर द वर्चुअल इमेज, वर्चुअल के लिए देखो भाई डायग्राम कैसे बनेगा कन्वेक्स लेंस में। ये आपका कन्वेक्स लेंस प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका सेंटर ऑफ ऑप्टिक्स हो गया। अब की बार ऑब्जेक्ट देखो भाई मैंने एफ और सी के बीच में लिया, मतलब अब की बार ऑब्जेक्ट को मैं क्लोज लेके आया हूं लेंस के। ये रे गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस एंड दिस इज द सी, अरे पासिंग स्ट्रेट लिफ्ट थ्रू द सी। यहां पे देखिए वाइड होते जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें यहां से आते हुए दिखाई देंगी। तो ये जो इमेज बनती है ए डैश और बी डैश, ये कैसी इमेज बन रही है देखिए आप, वर्चुअल इमेज है, मैग्नीफाइड है और इरेक्ट है। अब आपने ट्रायंगल्स क्या लेनी है, ए ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, ए और यहां पे ये डी है इसको मिला लीजिए, सी डी एफ और ए डैश बी डैश एफ। तो ये ट्रायंगल्स आपने लेनी है बेटा, इन ट्रायंगल्स की हेल्प से आप ड्राइव कर सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई बी माइनस वन बाई यू। होप करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट करवा देता हूं बेटा कॉनकेव के लिए, लेंस फॉर्मूला फॉर द कॉनकेव लेंस। कॉनकेव आपका ये होता भाई लेंस, डाइवर्जिंग लेंस आप इसे बोलते हो। ये रे हो गई, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर,
ऑब्जेक्ट आपकी ये है, यहां पे रख लेता हूं ए बी, एक रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर चली गई, ये हमें कहां से आती हुई दिखाई देगी फोकस पॉइंट, ये हो गया एफ, और एक सी से जाएगी, सी से स्ट्रेटली निकल जाती है, तो यहां पे जो ये दोनों ही रेज मिल गई हैं, ये बन गई आपकी ए डैस बी डैस, ये आपका डी पॉइंट है, डी को सी से मिला लीजिए। फिर से ट्रायंगल्स वही लेनी है, नेमिंग मैंने सेम किया तो ट्रायंगल्स भी वही होंगी, इन ट्रायंगल इसमें हमेशा भाई देखो इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिस्ड है, डिमिनिस मीन्स छोटी हो गई है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे डिमिनिस्ड हो गई है। इन ट्रायंगल्स, अब ट्रायंगल्स का देखो ध्यान करो बेटा, ए बी सी लेनी है आपने एंड ए डैस बी डैस सी, ए बी सी एंड ए डैस बी डैस सी दिख रही है आपको, देख सकते हो आप डायग्राम से बिल्कुल सिंपली, ये एंगल तो कॉमन हो गया दोनों में, एक एक 90 हो गया, तो थर्ड वन अपने आप सेम हो गया, तो ट्रायंगल्स आपकी सिमिलर होगी, सो यू कैन राइट द इक्वेशन ए बी बाय ए डैस बी डैस इज इक्वल टू बी सी बाय बी डैस सी, लेट्स से दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इन ट्रायंगल्स सी डी एफ एंड ए डैस बी डैस एफ, तो देखिए भाई इसमें सी डी बाय ए डैस बी डैस इज इक्वल टू बेस इसका आपका आ जाएगा एफ सी बाय एफ बी डैस, एफ बी डैस को आप क्या लिख सकते हो, एफ बी डैस को देखो क्या लिख सकते हैं, इसको ये छोटी सी है ना, इसको आप एफ सी माइनस बी डैस सी लिख सकते हो, एफ सी माइनस बी डैस सी, एफ सी माइनस बी डैस सी, या इस इक्वेशन को आप देखो सी डी की जगह क्या रख रहे हैं भाई, सी डी की जगह आपका ए बी हो जाएगा, तो ए बी बाय ए डैस बी डैस इज इक्वल टू एफ सी बाय एफ सी माइनस बी डैस सी, ये होगी सेकंड इक्वेशन। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर लो भाई, कंपेयर करेंगे तो देखो लेफ्ट एंड के बराबर है, तो राइट एंड के कर सकते हो आप, चलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन From first and second equation, आप लिख सकते हो बी सी बाय बी डैस सी इज इक्वल टू एफ सी बाय एफ सी माइनस बी डैस सी, ये हो गया भाई इक्वेशन आपकी आ जाएगी। अब इनमें वैल्यूज ऑपरेट कर लो, वैल्यूज बिल्कुल सिंपली आपको पता है, यू भी नेगेटिव हो जाएगा इधर, V भी नेगेटिव हो जाएगा और F भी नेगेटिव हो जाएगा, तीनों इजी साइड है तो तीनों नेगेटिव लेनी है। बी सी आपका माइनस यू, बी डैस सी माइनस वी इज इक्वल टू एफ सी माइनस एफ ओवर माइनस एफ माइनस ऑफ माइनस यू वी, ये आ जाएगा। और इस इक्वेशन को देखो भाई आप क्या लिख सकते हो, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यू बाय वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बाय माइनस ऑफ एफ प्लस वी, आर पार गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ यू एफ प्लस यू वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एफ, और दिस इक्वेशन नाउ दिस इज थर्ड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो भाई यू वी एफ से, डिवाइडिंग बाय यू वी एफ, तो डिवाइड करोगे यू वी एफ से, तो देखिए भाई मैं ऊपर कर देता हूं आपका, माइनस ऑफ यू एफ बाय यू वी एफ प्लस यू वी बाय यू वी एफ एंड इज इक्वल टू माइनस वी एफ बाय यू वी एफ, यू एफ से यू एफ कैंसिल, यू वी से यू वी कैंसिल, वी एफ से वी एफ कैंसिल, यहां क्या बचेगा, ये माइनस वन बाय वी प्लस वन बाय एफ इज इक्वल टू माइनस वन बाय वी, तो वन बाय एफ एज इट इज यहां रखिए, वन बाय वी को उधर भेज दीजिए, वन बाय वी माइनस वन बाय वी, दिस इज योर लेंस फॉर्मूला फॉर द थर्ड कंडीशन, मीन्स इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और डिमिनिश्ड बनती है, तो मेरे ख्याल में बेटा आपको लेंस फॉर्मूला क्लियर हो गया है कि क्या होता है। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, ये आपको मैं पहले करवा चुका हूं तो इसलिए शॉर्ट में निपटा देता हूं, अभी ये छोटी छोटी बातें हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, लीनियर मैग्निफिकेशन
इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कई बार न्यूमेरिकल्स में पूछ लिया जाता है कि बताइए भैया हम इसको लिख सकते हैं h2 टू बाई एच वन या हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ v बाई यू। तो ये आपका मैग्निफिकेशन है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस भी हम कर चुके हैं, जब मैंने लेंस मेकर फॉर्मूला करवाया था आपको लाइव क्लास में, तो वहां पे बोला था पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है एंड दैट इज म्यू माइनस वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू होता है। तो पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वो आपकी डायप्टर होती है भाई, इस बात का आप ध्यान रखेंगे ठीक है। डायप्टर होती है, पावर का फॉर्मूला होता है वन बाई एफ। क्लियर होगी। अब इसके बाद जो एक टॉपिक बचता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, वो मैं लाइव क्लास में करवा चुका हूं, तो इसके साथ अपना जो रिफ्रेक्शन चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है भाई ऑप्टिक्स का। नेक्स्ट फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डिस्पर्शन, वो नेक्स्ट वीडियो में देखना बेटा, तब तक आप इसको कंप्लीट करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।